टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लुटेरों से सावधान रहने की सख्त ज़रूरत होती है और ये लुटेरे पलक झपकते ही घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इसी तरह से लुटेरों ने एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया और 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ये पूरी घटना स्टेट बैंक में लगे CCTV में कैद हो गया है। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा के नगर कोतवाली के सामने स्टेट बैंक का है। उमरी बेगमगंज जफरपुर निवासी फूलचंद अपनी नतनी की शादी के लिए स्टेट बैंक से 3 लाख रुपए निकाले और इसी दौरान पैसा झोले में रख कर जैसे ही ये पीछे मुड़कर बाहर निकलने लगे, उसी दौरान फिर इन्होंने झोला चेक किया तो 3 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए गायब थे। बहरहाल इस पूरी घटना की CCTV फुटेज सामने आई है और इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 3 लाख रुपए ये बुज़ुर्ग लेकर और झोले में रखे और जैसे ही ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वैसे ही इस बुज़ुर्ग के पास 2 व्यक्ति आते हैं और फिर ये बुज़ुर्ग आगे जाकर जब अपना झोला चेक करते हैं तो उसमें पैसे 1.5 लाख रुपए गायब रहते हैं। बहरहाल इस लूट की घटना की तहरीर फूलचंद ने पुलिस में की है और पुलिस बैंक में लगे CCTV के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दादा क्या हुआ? फूलचंद। कहाँ के हो? जफरापुर। यहाँ क्या, किस लिए आए थे? यहाँ स्टेट बैंक से पैसे निकालने आए थे। कितना पैसा आपने निकाला? 3 लाख। किस वजह से आप पैसा निकाले थे? नतनी का शादी करना था। तो आप क्या हुआ, क्या समस्या? समस्या ये हुआ कि 3 लाख रुपए वहाँ से निकाले और थोड़ी दूर ये इसी काउंटर तक आए थे और फिर मैंने कहा आप चेक कर लें, चले गाड़ी पकड़ लें, बैठ लें। अब वहाँ 6 देख के भरे थैलामा और इतने बीच में पैसा हमारा निकल गया। पता नहीं चला किसने निकाला? ना ही ये पता लगता तब का आना था हमारे को। कैसे पता आपने लिखा है, दिया है? यह शिकायती पत्र तो अभी मनवाए हैं। आप बैंक के अंदर ही थे, कहीं गए तो नहीं? अभी तक नहीं गए, जब से आए हैं।